Hello students, how are you? Hope you must be in good health and must be studying well also. I am Rahul Bhatnagar. Welcome to my YouTube channel. आज का ये वीडियो हम एक नए चैप्टर के साथ शुरू करने वाले हैं. बहुत आसान और छोटा चैप्टर है स्टूडेंट्स. इस चैप्टर का नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स. स्टूडेंट्स, ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें से आपको MCQ ज़रूर आता है और एक छोटा सा थ्योरी का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा. और इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आने वाले चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रोल. तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोविजंस क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों बनाए जाते हैं प्रोविजंस और क्या इसका इंपॉर्टेंस है. इसी तरह हम रिजर्व्स को समझेंगे, रिजर्व्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और क्यों रिज़र्व बनाया जाता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं, प्रोविज़न को समझते हैं सबसे पहले. और प्रोविज़न से भी पहले स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ एक और टर्म है जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है कि प्रोविज़न और लायबिलिटी में क्या फ़र्क है. तो अभी हम पहले समझते हैं लायबिलिटी और प्रोविज़न्स में क्या डिफरेंस है. लायबिलिटी एंड प्रोविज़न, अक्सर स्टूडेंट्स दोनों टर्म्स को एक ही समझ लेते हैं. टू सम एक्सटेंट ये एक ही मतलब है, लेकिन इसमें डिफरेंस भी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट्स, लायबिलिटी और प्रोविजंस, इन दोनों का एक कॉमन मतलब है अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, या आप कह लीजिए अमाउंट और मनी ओड बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस. तो ये तो हो गया इन दोनों में कॉमन क्या है. अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है. लायबिलिटी है फॉर नोन लायबिलिटी. नोन लायबिलिटी मीन्स हमको मालूम है कि हमने पेमेंट नहीं किया है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. हमारा फाइनेंशियल ईयर यूजुअली मार्च में ख़त्म होता है. अगर 31 मार्च तक अगर हम कोई नोन पेमेंट नहीं करते, हमें मालूम है कि कोई पेमेंट करनी है लेकिन नहीं हो पाई, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगी, तो वो कहते हैं हम उसको नोन लायबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल्स, हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करी, हमने क्रेडिट परचेज किया, गुड्स परचेज किया वेंडर्स के साथ, हमने उनको पेमेंट नहीं करी, हमारे क्रेडिटर्स हैं तो हमें मालूम है कि हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करी, हमने रेंट की पेमेंट नहीं करी या सैलरी की पेमेंट नहीं करी, डैट इज़ नोन लायबिलिटी. लायबिलिटी का एक और कंसेप्ट है अमाउंट इज सर्टेन. अमाउंट इज सर्टेन, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करी, हमें मालूम है कितने का गुड्स हमने परचेज किया हुआ है, हमें मालूम है कि हमने कितने पैसे हमको क्रेडिटर्स को देने हैं, अमाउंट इज सर्टेन. हमने रेंट पेमेंट नहीं किया, मान लीजिए मार्च का रेंट पेमेंट नहीं किया जो हम अप्रैल में करेंगे या मई में करेंगे, तो हमको मालूम है रेंट का कितना अमाउंट हम दे रहे हैं, पीछे कितना दे रहे हैं, वही हमने आगे देना है. हमने सैलरी पेमेंट नहीं करी. ये सब एग्जाम्पल्स हैं लायबिलिटी के, जो नोन भी है और अमाउंट भी उसका सर्टेन है. सैलरी पेमेंट नहीं करी, इन सब में हम क्या करते हैं, हम डेबिट कर देते हैं एक्सपेंस को और क्रेडिट कर देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज या आउटस्टैंडिंग रेंट को. मान लीजिए हमने रेंट पे नहीं किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट हम करते हैं और टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट. तो कहाँ जाता है ये आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, लायबिलिटी साइड में चला जाता है, करंट लायबिलिटी बन जाता है. इसी तरह अगर हमने सैलरी पेमेंट नहीं करी है तो सैलरी में हम एक्सपेंस में हम डेबिट करेंगे जो P&L अकाउंट में चला जाएगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आ जाएगा एज करंट लायबिलिटी. मैं इसको आपको ऐसे समझा देता हूँ. फॉर एग्जांपल आप P&L अकाउंट बना रहे हो, एक शॉर्ट में देख लो डेबिट साइड. डेबिट साइड में आपने रेंट अकाउंट बनाया, रेंट्स में चला गया और बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटीज साइड में, ये लायबिलिटीज साइड है, ये एसेट साइड है, यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग सैलरीज इस तरह आ गया आपका, है ना. और यहाँ पे आपने डेबिट कर दिया रेंट को भी, सैलरी को भी डेबिट कर दिया. और इसी तरह हमारे क्रेडिटर्स आ गए. ये सब हमारी करंट लायबिलिटीज में आते हैं ना. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, लायबिलिटी में हमारा नॉन लायबिलिटी होती है, हमें मालूम है कि हमने किस अकाउंट हेड के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं किया है. अमाउंट हमारा सर्टेन होता है, हमें मालूम है हम पहले कितना देते आए हैं, वही हमने देना है,
हमें क्रेडिटर्स का अमाउंट मालूम है, रेंट का अमाउंट मालूम है, सैलरी का अकाउंट मालूम है, तो ये हमारा आपका लायबिलिटी हो गया। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो अब हम आगे चलते हैं प्रोविजंस को समझते हैं। प्रोविजंस में और लायबिलिटी में क्या फ़र्क है? अब समझते हैं प्रोविजंस को। प्रोविजंस में भी स्टूडेंट्स, जैसा कि लायबिलिटी में होता है, हमारी लायबिलिटी इज़ नोन, प्रोविजंस के अंदर भी हमारी लायबिलिटी नोन भी हो सकती है और अननोन भी लायबिलिटी हो सकती है। डिफरेंस इन दोनों में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, द अमाउंट इज़ अनसर्टेन इन प्रोविजंस। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट सर्टेन था, प्रोविज़न में अनसर्टेन अमाउंट और नोन लायबिलिटी। नोन लायबिलिटी और अननोन भी हो सकती है। और सेकेंडली, अमाउंट इज अनसर्टेन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। यूजली हम टैक्स करंट ईयर का करंट ईयर में दे देते हैं, लेकिन कुछ पार्ट करंट ईयर का टैक्स जो है हम आने वाले साल में भी देते हैं, तो वो टैक्स का पार्ट हमको मालूम नहीं होता कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा, तो हम एक प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं, एस्टीमेटेड अमाउंट, तो उसको हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन या टैक्स कर लीजिए। इसी तरह प्रोविज़न फॉर वारंटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा बिजनेस है रेफ्रिजरेटर्स को बेचने का, या एसी को हम सेल करते हैं। हम एसी और रेफ्रिजरेटर्स या टेलीविज़न सेट्स के अंदर हम वारंटी देते हैं कि इसका ये कंपोनेंट जो है, ये पार्ट जो है, 5 साल तक नहीं ख़राब होगा या 3 साल तक नहीं ख़राब होगा, तो हम एक वारंटी देते हैं। अब हो सकता है ना ख़राब हो, लेकिन हमें अपने पास प्रोविज़न तो रखना पड़ेगा। अगर हम 1000 यूनिट सेल करते हैं एसी की या रेफ्रिजरेटर की, तो कुछ पार्ट्स हो सकते हैं उसमें से ख़राब हो जाएं। हमने तो वारंटी दे रखी है 2 साल की, 3 साल की, तो उस एस्टीमेटेड खर्चे के लिए हमें कुछ प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। इसी तरह प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। हमारे कितने ऐसे डेटर्स होंगे जो कि हमें पैसा नहीं देंगे? अभी करंट ईयर में हमारे पास तो डेटर्स हैं, कितने ऐसे हैं सस्पेक्टेड डेटर्स जो हमें पैसा नहीं देंगे या कम पैसा देंगे, उसका भी हम प्रोविज़न बना लेते हैं, एस्टीमेटेड प्रोविजंस बनाते हैं। स्टूडेंट्स, एस्टीमेटेड किस बेस पे होगा आप बताइए? एस्टीमेटेड होता है हमारा पास्ट रिकॉर्ड के बेस पे। लास्ट ईयर हमें कितने डेटर्स ने हमें पैसा नहीं दिया, मान लीजिए 2% या 5% डेटर्स ने पैसा नहीं दिया, तो करंट ईयर में भी हम प्रेजेंट जो हमारे डेटर्स हैं उनका 5% हम डाउटफुल डेट्स में एक प्रोविज़न बना के रख लेते हैं कि हो सकता है हमें ये डेटर्स जो हैं हमें पैसा ना दें। इसी तरह हम पास्ट रिकॉर्ड के बेस पर ही हम टैक्सेशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, वारंटी में भी हम कितना हमारा खर्चा हुआ, हमने वारंटी दे रखी थी, हमें कितने कस्टमर्स के पास जाके उनके पार्ट्स को चेंज करना पड़ा, तो उन सब का खर्चे का एस्टीमेट तो लगाना पड़ेगा ना। ये सब पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है, और ये होता है स्टूडेंट्स अप टू द नियरेस्ट एस्टीमेट। मतलब हम ऐसा नहीं वेग में नहीं बना सकते, हमें बहुत नियरेस्ट लेके जाना है, पिछले पास्ट एस्टीमेट को देख के नियरेस्ट टू एक्यूरेट हमने ये बनाना होता है प्रोविजंस। प्रोविजंस के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, प्रोविजंस फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। प्रोविजंस फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हमारी मशीनें ठीक काम कर रही हैं, 5 साल की या 3 साल की वारंटी भी है उनकी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ फॉल्ट तो आ सकता है ना, तो हमें प्रोविजंस तो बना के रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा तो हमें एस्टीमेट रखना पड़ेगा। इसी तरह एक और है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें हर साल एज़ पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 6, ये हमारे को कहता है आपको डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, और पिछले पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपकी किस तरह की एसेट्स हैं उस हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हमारा एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है एक्रूअल कंसेप्ट।
ये कंसेप्ट कहता है जो करंट ईयर के आपके एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं, वेदर डिटरमाइंड और नॉट, वो आपके करंट ईयर में ही बुक हो जाने चाहिए, चाहे उन एक्सपेंसेस को आपने पेमेंट किया है बाद में फॉलोइंग ईयर में, लेकिन आपको बुक करना है इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। इसी तरह एक और कंसेप्ट है प्रूडेंस कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है कि आप सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप एंटिसिपेट करो और उसको करंट ईयर के अंदर ही आप उसको लेके आओ, उसको प्रोवाइड करो। बेशक आप एक दफ़े को इनकम को या गेन्स को आप एंटिसिपेट मत करो, लेकिन सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस को आपने एंटिसिपेट करके उसको करंट ईयर में ही बुक करने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे दो अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, अक्रूअल कंसेप्ट और प्रूडेंस कंसेप्ट। इन दोनों के हिसाब से हमको वी हैव टू प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर ऑल टैक्सेस, वारंटी, डाउटफुल डेट्स, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशंस, हमको इन सब के बारे में एंटिसिपेट करना है और हमें प्रोविज़न क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट्स, प्रोविजंस से हम क्या मतलब निकालते हैं? प्रोविज़न इज़ द अमाउंट सेट असाइड असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जो है हम निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, सेट असाइड, या आप ऐसे कह लीजिए कि हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है। सेकेंडली, प्रोविजन इज चार्ज टू P&L अकाउंट। क्लियर है ये दो बातें आपको? प्रोविजन इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोविजन इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम P&L अकाउंट जो बनाते हैं उसमें हम डेबिट साइड में हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस, प्रोविजन फॉर ये जितने भी हमने एग्जांपल्स लिखे हैं, हम इनको P&L अकाउंट में दिखा देते हैं, और P&L अकाउंट में दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगा। अब हम ब्रीफ में रिजर्व्स को भी समझ लेते हैं। रिजर्व का बहुत सिंपल सा मतलब है, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे कि घर के अंदर जब पापा सैलरी लेके आते हैं तो माँ उस सैलरी में से कुछ पार्ट एक रिजर्व में डाल देती हैं और वो किसी को नहीं बताती, इवन कई दफ़े तो खुद भी भूल जाती हैं कि हमने मैंने कहाँ रखा है पैसा और कितना पैसा रखा हुआ है। और वो माँ क्यों निकालती है वो रिजर्व पैसा? वो कोई अनफॉर्सीन कंटीजेंसीज के लिए, कोई अचानक घर में कुछ मेडिकल का खर्चा आ जाए, या कुछ अच्छे काम भी करने हैं, आपने कहीं कार खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, या कोई टेलीविज़न खरीदना है, कुछ ऐसा आइटम खरीदना है जहाँ ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है, तब माँ वन रिज़र्व में से रखे हुए पैसे निकाल के लाती है, ये लो मेरे पैसे मेरी तरफ से। तो बिजनेस के अंदर भी स्टूडेंट्स, रिज़र्व का मतलब है अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। पहला मतलब क्या हो गया? अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व की वजह से प्रॉफिट के अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना अमाउंट प्रॉफिट का था उतना ही रहता है, सिर्फ से उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल के रिजर्व में रख दिया जाता है। इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व रख देती है फॉर जनरल पर्पज, जिसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व, जिसको हम किसी भी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, जनरल रिजर्व। ये है फॉर ऑल पर्पजेज, मिसलेनियस पर्पजेज। इसमें आप बिजनेस का एक्सपेंशन भी सोच सकते हैं, अगर आपने एक प्रोडक्ट के साथ में दूसरे प्रोडक्ट को ऐड करना है या स्विच ओवर करना है, उसमें कितना खर्चा लगेगा, थोड़ा सा आप उसमें आप रिजर्व में डाल सकते हो पैसा, या आपने कोई फैसिलिटी का आपने दूसरी जगह शिफ्ट भी करनी है, आपने आपका बिजनेस सारा दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था, आप चाहते हैं दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ या अम्बाला से भी ऑपरेट हो, तो उसके लिए भी आपको रिज़र्व कुछ रखना पड़ेगा मिसलेनियस पर्पज़ के लिए। एक और होता है स्पेसिफिक रिज़र्व, ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है। अभी तक स्टूडेंट्स हमने प्रोविजंस और रिजर्व्स के बारे में जनरल एक अंडरस्टैंडिंग ली है, एक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ली है, अभी हमने इसको डिटेल में नहीं समझा है। इसको और डिटेल में समझने के लिए
हम अभी कंप्यूटर पे चलेंगे, जहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स बना के रखे हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो एज ए थ्योरी पार्ट, और उसमें से MCQ आपके बहुत अच्छे से निकल के आ सकते हैं। तो अभी हम कंप्यूटर पे चलेंगे, जिसमें हम समझेंगे प्रोविजंस और रिजर्व्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इम्पोर्टेंस है, और इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम प्रोविजंस एंड रिजर्व्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसका थोड़ा सा ब्रीफ में आपको मैंने समझा दिया है, आपको मोटे मोटे तौर पे प्रोविजंस क्या होता है, रिजर्व्स क्या होता है, आपको उसका समझ में आ गया है। अब हम थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोविजंस को, मीनिंग ऑफ प्रोविजंस। प्रोविजन इज़ एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोवाइड फॉर ए नोन लायबिलिटी, द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऐसी लायबिलिटी, नोन लायबिलिटी, जिसका अमाउंट हम एक्यूरेसी के साथ में डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं, वो एक प्रोविज़न का अमाउंट हम सेट असाइड कर देते हैं बाय चार्जिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज़ चार्ज्ड इन द P&L अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट एस्टिमेट। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, हम अपने बेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से हम P&L अकाउंट में इसको हम चार्ज करते हैं। इन अदर वर्ड्स, प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एनी लायबिलिटी और लॉस। इसका मतलब प्रोविजन जो है, डेट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एनी लायबिलिटी और लॉस। कोई भी लायबिलिटी को हमें क्रिएट करनी है या लॉस के अमाउंट को हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें प्रॉफिट के अगेंस्ट में इसको चार्ज करना पड़ेगा, ये मतलब हुआ। अब स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या कहता है प्रोविजंस के बारे में। स्टूडेंट्स, या मैं आपको बताऊं, अगर आपको डेफिनेशंस आती है और आप इसमें किसी एक डेफिनेशंस को आप और जोड़ देते हो, तो उससे आपका वेटेज बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम ICAI भी कहते हैं, उसने जो डेफिनेशन दी है प्रोविज़न की, उसको भी आपके लिए लिख दिया है। एनी अमाउंट रिटेन्ड by the way of providing depreciations or diminutions in the value of assets or for providing any known liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy। मतलब इस definitions का भी वही है students, लेकिन अगर आप एक definition साथ में आप और add कर देते हैं, तो आपकी weightage और बढ़ जाती है। इसका मतलब भी यही है कि हम कोई amount, हम by providing depreciations, हम किसी अमाउंट को डेप्रिसिएशन के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं, या एसेट्स की वैल्यू कम कर देते हैं, या किसी नॉन लायबिलिटी जिसका अमाउंट हमें डिटरमाइन नहीं किया हुआ है, उसको अगर हम क्रिएट करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड प्रोविजंस। एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजंस ये मैं पहले भी बता चुका हूँ स्टूडेंट्स आपको, प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितने डेटर्स हमारे, अगर पिछले साल 5% थे, तो इस साल भी हम 5% लगा लेंगे बेस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से। प्रोविजंस फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हमारी अपनी मशीन है, जो हमारी फैक्ट्री में लगी हुई है मशीन है, उसमें कितना रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे हम खर्चा हो सकता है आने वाले साल में, ये सिर्फ से हम एस्टीमेट ही लगा सकते हैं, कोई इस पे आप एक्यूरेट नहीं आप इसका अमाउंट निकाल सकते। प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशंस, प्रोविजंस फॉर टैक्सेशंस, जैसा कि मैंने आपको बोला, टैक्सेशंस का भी हमें अमाउंट अगले साल देना होता है, और हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकाल पाते हैं, हम एक प्रोविज़न बना लेते हैं कि हमें इतना अमाउंट हमें टैक्सेशंस का देना पड़ेगा, और वो हम क्रिएट करते हैं एज प्रोविज़न करंट ईयर में। डेप्रिसिएशंस का अमाउंट भी हम टू द बेस्ट एक्यूरेसी हम उसके अमाउंट को प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह प्रोविज़न फॉर वारंटी, स्टूडेंट्स मैंने बोला था, जिस तरह की हम अपने प्रोडक्ट्स की वारंटी देते हैं, जैसे हम अगर AC बेच रहे हैं या हम रेफ्रिजरेटर्स दे रहे हैं, हमने 2 साल का या 5 साल की वारंटी दी हुई है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। कौन सा कस्टमर हमें कॉल करके कहे कि जी हमारा AC ख़राब हो गया, इसमें ये पार्ट बदला जाएगा और आपको उस पार्ट को बदलना पड़ेगा, कितना उसमें एस्टिमेटेड खर्चा आएगा, इसका आप एक्यूरेट नहीं अंदाज़ा लगा सकते। तो इसके लिए हम पास्ट रिकॉर्ड के बेस पे हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं कि हमारा इतना हमारा वारंटी में लग जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर वारंटी। और आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू द अक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको बोला था हमारा एक अक्रूअल कंसेप्ट है, जो क्या कहता है, ऑल लायबिलिटीज, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, वेदर डिटरमिंड और नॉट,
should be accounted in the books of account to determine the accurate profit and loss for the accounting period. हमारा ये कंसेप्ट कहता है accrual कंसेप्ट कि जितनी भी liabilities हैं, losses हैं, expenses हैं, whether determined, आपको मालूम है या नहीं मालूम, should be accounted in the books of accounts. करंट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो आनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. किस लिए होनी चाहिए? टू डिटरमाइन द एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड. दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजंस टू अकाउंट फॉर ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ये मेन ऑब्जेक्टिव यही है, टू अकाउंट फॉर ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. वेयर द अमाउंट इज नॉट एसर्टेन्ड, एस्टिमेटेड एंड देन अकाउंटेड बाय मेकिंग प्रोविजंस. जहाँ अमाउंट असर्टेन्ड नहीं है, वहाँ पे आप क्या करेंगे? एस्टिमेटेड अमाउंट नियर टू करेक्ट एंड देन अकाउंटेड बाय मेकिंग प्रोविजंस. नियर टू करेक्ट आप इसको जज करोगे और फिर उसको आप प्रोविजंस बनाओगे. तो फीचर्स क्या बनते हैं हमारे प्रोविजंस के? इट इज़ एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट और इनकम. हमारे प्रॉफिट्स में से ये कम हो जाता है अमाउंट. इट इज़ चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हम पी एंड एल अकाउंट में चार्ज करते हैं. थर्ड इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी इज़ नॉट असर्टेन्ड एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग. हमारा एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लॉस का या एसेट्स की वैल्यू में कितना कमी आ रही है, डिमिनिशन बोलते हैं उसको, कितनी कमी आ रही है वो, या लायबिलिटी हम कोई असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस लिए हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं. तो ये हैं फीचर्स हमारे प्रोविजन्स के. अब हम चलते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोविजंस. फर्स्ट है, प्रोविज़न इज मेड फॉलोइंग द प्रूडेंस कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग विच सेज प्रोवाइड फॉर ऑल अकाउंटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट नॉट प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड इनकम्स. जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक प्रूडेंस प्रिंसिपल है. वो ये कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस. आप जितने भी आपको दिमाग में आ रहे हैं, जो आपको ध्यान आ रहे हैं एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आप उसके लिए उसको प्रोवाइड करो एंड नॉट प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड इनकम्स. इनकम्स को भले ही मत करो लेकिन प्रोवाइड फॉर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. बाय मेकिंग ए प्रोविज़न ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स आर रिटेन्ड which otherwise could have been distributed as profits or dividends. हम जब प्रोविज़न बनाते हैं तो प्रॉफिट्स का एक पार्ट हम कम कर देते हैं, जो कि अगर हम नहीं बनाते प्रोविज़न तो क्या होता, वो हम उस प्रॉफिट्स के पार्ट को हम ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते या शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते एज डिविडेंड्स. अब हमने प्रोविज़न का बना दिया है तो हमने प्रॉफिट के पार्ट को एक थोड़ा सा रोक लिया है. नेक्स्ट इज Provision is an amount set aside out of current earnings, considering necessary to provide for all losses that are expected to arise during the accounting period. इसका मतलब है हम अपनी current earnings में से एक amount को set aside कर देते हैं as provision, है ना. Considered necessary to provide for all losses. क्यों कर देते हैं? Because they are necessary to provide for all losses that are expected to arise ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. जो करंट ईयर में एक्सपेंसेस या लॉसेस हो सकते हैं, हम उस पार्ट को एक अलग कर देते हैं एज प्रोविजंस. थर्ड इज एनी लॉस और डिप्लीशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स और एनी लायबिलिटी एज मे नॉट हैव बीन प्रोवाइडेड अगेंस्ट इनकम और प्रॉफिट वुड इफेक्टिवली इरोड द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस. क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न इज़ एन अटैम्प्ट टू मेंटेन द कैपिटल ऑफ बिजनेस इंटैक्ट. ये कहता है कि अगर हम प्रोविज़न को क्रिएट नहीं करते तो जो कंपनी जो कैपिटल है, जो ओनर्स की कैपिटल है, जो शेयर होल्डर्स की कैपिटल है, वो अफेक्ट होती है, क्योंकि हमने अपनी एसेट्स की वैल्यू को कम नहीं किया, हमने लायबिलिटी को प्रोवाइड नहीं किया. क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न इज़ एन अटैम्प्ट टू मेंटेन द कैपिटल ऑफ द बिजनेस. प्रोविज़न बनाने से जो कैपिटल है वो मेंटेन इंटैक्ट रहती है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी स्टूडेंट्स प्रोविजंस के बारे में. अब हम और आगे चलते हैं रिजर्व्स के को समझते हैं. रिजर्व्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिजर्व. रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट. रिजर्व जो है एक अमाउंट है जो सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट में से सेट असाइड कर लेते हैं, अलग हटा देते हैं प्रॉफिट में से. इट इज़ एन अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स टू स्ट्रेंथन द बिजनेस पोजिशन. अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट का बेटर यूटिलाइज करना. हमने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल दिया है फॉर विच पर्पस, टू स्ट्रेंथन द बिजनेस पोजिशंस. रिजर्व्स आर नॉट सेट असाइड टू मीट ए लायबिलिटी.
रिजर्व्स को हम इसलिए नहीं निकालते हैं कि हमने कोई लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, किस लिए निकालते हैं, बट टू मीट नोन और अननोन कंटीजेंसीज डेट में अराइज इन फ्यूचर्स। हम इसलिए निकालते हैं कि हमें नोन कुछ मालूम है, कुछ हमें अंदाज़ा है कि हमारे पास कुछ कंटीजेंसीज, कुछ हालात ऐसे आ सकते हैं कि हमें पेमेंट करनी पड़े, या कुछ अननोन भी हो सकता है कि हमें पता ही नहीं है और अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए भी हम रिजर्व्स निकालते हैं। अब एक ICAI क्या कहता है, डेट पोर्शंस ऑफ अर्निंग्स रिसिप्ट्स और अदर सरप्लस ऑफ एन एंटरप्राइज वेदर कैपिटल और रेवेन्यू appropriated by the management for general or specific purpose other than a provisions for depreciations or diminutions in the value of assets for a known liability is known as institute of chartered accountant। क्या कहता है कि आपकी earnings का, receipts का, या कोई भी surplus है business का, उस चाहे वो capital earnings हो या capital revenue earnings हो, उसमें से management कुछ पार्ट को अप्रोप्रिएट कर देती है, मतलब निकाल देती है फॉर ए जनरल पर्पज़। जनरल पर्पज़ में आपका कोई मकसद नहीं इन्वॉल्व होता, और फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़ जहाँ पे आपका एक मकसद इन्वॉल्व होता है पूरा, आपको मालूम होता है कि हमें इस काम के लिए चाहिए, अदर देन ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इनके अलावा, डेप्रिसिएशन के अलावा या डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स फॉर और फॉर ए नॉन लायबिलिटी इज नोन एज रिजर्व्स। इसको रिजर्व्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रिजर्व्स क्या हो सकते हैं, जनरल रिजर्व जैसे कि बताया आपको, मिक्स पर्पज़ के लिए, फॉर एनी पर्पज़ रिजर्व्स फॉर एक्सपेंशंस। कंपनी ने अगर सोच रही है कि हम नेक्स्ट साल में या नेक्स्ट एक दो साल बाद या पाँच साल बाद हमने एक्सपेंशन करना है, और उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा पार्ट प्रॉफिट्स में से अभी से निकालना शुरू करना है, हमने दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ भी हमने स्विच ओवर करना है, या हमने किसी और शहर में भी अपने यूटिलिटी काउंटर्स या फैसिलिटी काउंटर्स को खोलना है, उसके वो भी एक एक्सपेंशन है, तो उसके लिए भी आपको पहले से ही थोड़ा सा पार्ट अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के रखना पड़ेगा। रिजर्व्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, आपको मालूम है हमारी एसेट्स, हमारी जो मशीनरी है, हमारा फर्नीचर है, ये दो साल या पाँच साल बाद ख़त्म हो जाएगी, हमारी मशीन हमें रिप्लेस करनी ही पड़ेगी, तो हम उसके लिए भी अभी से ही हर साल, मान लो पाँच साल में रिप्लेस करनी है, तो हम पाँच साल पहले से ही हर साल थोड़ा थोड़ा हम उस स्पेसिफिक पर्पज़, यहाँ हमने स्पेसिफिक पर्पज़ है हमारा कि रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स के लिए हमने एक फ़ंड अलग से निकाल दिया, इसको बोलते हैं रिजर्व्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्पज़ और इम्पॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछता है, वो पर्पज़ पूछता है या इम्पॉर्टेंस पूछता है, तो आपने ये ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। रिजर्व्स आर इम्पॉर्टेंट इन ए बिजनेस टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजिशंस ऑफ द एंटरप्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, रिजर्व्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजिशंस, कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन को मजबूत करने के लिए रिजर्व्स बनाए जाते हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ रिजर्व्स मे बी एक्सपेंशंस ऑफ बिजनेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशंस, मीटिंग अनफॉरसीन कंटिजेंसीज, अनफॉरसीन जिसका आपने अंदाज़ा भी नहीं लगा रहे हो, मान लो डिज़ास्टर्स आ जाता है, भूकंप आ जाता है, या फ्लड आ जाता है, या जैसे कोरोना की वजह से हमारे सारी फैक्ट्रीज या सब बंद, काम काज ठप हो गए, तो कुछ अनफॉरसीन कंटिजेंसीज हैं, इनके लिए आपने अलग से रिजर्व रख दिया है। नेक्स्ट इज़ मेकिंग डिविडेंड यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड रिडम्पशंस ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटीज़। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल लगेगा, जब आप आगे की हायर क्लास में जाओगे या और इसके आगे चैप्टर भी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप इसको नोट कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें हर साल डिविडेंड इक्वल देने के लिए हम एक रिजर्व्स निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं मेकिंग डिविडेंड यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर। और दूसरा है रिडम्पशंस ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटीज़। कंटिजेंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल्स हमारा कहीं कोर्ट में केस चल रहा है, अगर हम कोर्ट में वो केस हार जाते हैं तो हमें नुकसान होगा, कितने पैसे का होगा ये जजमेंट से पता चलेगा, जज बताएगा कि इतना पैसा आपको देना है, तो उसको बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटीज़। उस अमाउंट को पूरा करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, उसको बोला जाता है रिडम्पशंस ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटीज़। और हो सकता है अगर हम वो केस जीत जाते हैं, जजमेंट हमारे फेवर में आती है, तो वो कंटिजेंट एसेट्स बोलते हैं,
और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स देखते हैं। रिजर्व्स के तीन टाइप्स होते हैं, रिवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स और सीक्रेट रिजर्व्स। रिवेन्यू रिजर्व्स के दो टाइप्स हैं, स्पेसिफिक रिजर्व्स और जनरल रिजर्व्स। इनको हम अभी सबको अभी आगे समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। रिवेन्यू रिजर्व्स, रिवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं? रिवेन्यू रिजर्व्स आर सेट असाइड आउट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। रिवेन्यू रिजर्व्स हम रिवेन्यू प्रॉफिट्स में से निकाल देते हैं। रिवेन्यू प्रॉफिट्स कौन सा होता है स्टूडेंट्स? रिवेन्यू प्रॉफिट्स होता है जो हमारा कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर हमारा शर्ट्स मेकिंग का, शर्ट सेलिंग का बिजनेस है, तो शर्ट सेलिंग के बिजनेस से हमें जो रिवेन्यू हुआ है वो रिवेन्यू रिजर्व्स कहलाता है। हमारी जो लाइन ऑफ हमारा बिजनेस है उससे अगर जो प्रॉफिट हो रहा है वो रिवेन्यू रिजर्व्स कहलाता है। अगर हम इसको रिवेन्यू रिजर्व्स नहीं निकालते तो वो क्या होता है? प्रॉफिट, डेट प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। हम उस पैसे को हम डिविडेंड के तौर पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते अमंग शेयर होल्डर्स, या अगर वो सोल प्रोप्रेटरशिप है तो वो सारा का सारा प्रॉफिट ओनर्स के पास चला जाता। दे आर सेट असाइड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में से कम करके उसको बेटर यूटिलाइजेशन के लिए निकाला जाता है। रिवेन्यू रिजर्व्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स, वन इज जनरल रिजर्व, अदर इज स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व होता है इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज। जैसे कि आपको बोला कि जनरल रिजर्व स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं हो सकता, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। क्लियर है? स्पेसिफिक रिजर्व क्लियर होगा आपको कि किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही होता है। स्पेसिफिक रिजर्व इज डैट रिजर्व विच इज सेट असाइड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर डैट पर्पज। उसी काम के लिए ही यूज़ किया जाएगा जिसके लिए आपने उसको अलग से निकाला है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास मशीनों पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर कुछ हादसा हो जाता है वर्कर्स के साथ, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको कंपनसेशन दिया जाता है। तो उसके लिए हम एक रिज़र्व क्रिएट करते हैं, उसको बोला जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो उसको एम्प्लॉई को या उसकी फैमिली को दिया जाता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। इसी तरह स्टाफ वेलफेयर फंड। स्टाफ वेलफेयर फंड में स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपने देखना है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स के लिए आप फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी देना चाहते हैं, या उनके लिए रिक्रिएशन सेंटर खोलना चाहते हैं, या कोई जिम खोलना चाहते हैं, या आप उनको जब हॉलीडेज़ पे भेजते हैं तो वहाँ कुछ उनको फैसिलिटी देना चाहते हैं, हॉलीडे होम देना चाहते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ देने के लिए भी कुछ फ़ंड स्पेसिफिक पर्पस में आता है, स्टाफ वेलफेयर फ़ंड, वो क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व एंड कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व। ये भी स्टूडेंट्स एक आपके हायर क्लास में जब आप पहुंच जाओगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्योंकि इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व्स एंड कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व्स। जब आप फाइनल अकाउंट का चैप्टर करेंगे तब भी हम आपको इसके बारे में और अच्छे से समझाएंगे। अभी आप इसको इसमें सिर्फ से नोट डाउन कर लीजिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व्स आर सेट आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स एंड आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स अनलेस द कंपनी सेटिस्फाइज सर्टेन कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट। कैपिटल रिजर्व्स जो है कैपिटल प्रॉफिट्स में से ही निकाला जाता है। रिवेन्यू रिजर्व रिवेन्यू प्रॉफिट्स में से निकाला जाता है, जो हमारा कंपनी का लाइन ऑफ बिजनेस है। यहाँ कैपिटल प्रॉफिट्स में से ही निकाला जाएगा, जो कि दैट प्रॉफिट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स। किया जा सकता है शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूशन अनलेस द कंपनी सेटिस्फाइज सर्टेन कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट। अगर कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविज़न दिया हुआ है और कंपनी मैनेजमेंट सेटिस्फाई है तभी ये शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं दिया जा सकता। इट इज़ क्रिएटेड फॉर मीटिंग कैपिटल लॉसेज और टू बी यूज फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट। ये क्रिएट किया जाता है कंपनी कैपिटल लॉसेज के लिए, या कोई स्पेसिफाइड कोई किया हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है कोई पर्पज, उसके लिए क्रिएट किया जाता है। अभी तक स्टूडेंट्स हमने रिजर्व्स के टाइप्स को समझा, रिवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स।
एक रिजर्व फंड क्रिएट किया जाता है इफ़ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व्स आर इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस फॉर आउटसाइड सिक्योरिटीज एंड सच सिक्योरिटीज आर स्पेसिफाइड फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस द रिजर्व इज नोन एज रिजर्व फंड। एक छोटा सा डेफिनेशन आपको आ सकती है कि वट इज़ रिजर्व फंड। अगर कोई कंपनी कोई अमाउंट रिजर्व करती है विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस फॉर आउटसाइड सिक्योरिटीज, मतलब किसी दूसरी कंपनीज के दूसरी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए एंड डेट इज़ फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस, तो उस रिजर्व को बोलते हैं हम रिजर्व फंड। नेक्स्ट इज सीक्रेट रिजर्व, ये थर्ड टाइप ऑफ रिजर्व्स है। फर्स्ट था रिवेन्यू रिजर्व्स, देन कैपिटल रिजर्व्स, नाउ इज सीक्रेट रिजर्व्स। सीक्रेट रिजर्व्स इज अ रिजर्व्स द अमाउंट ऑफ विच इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। सीक्रेट रिजर्व्स एक ऐसा रिजर्व है स्टूडेंट्स जिसका किसी को भी नहीं बताया जाता, इस अमाउंट को एक बैलेंस शीट में भी नहीं डिस्क्लोज किया जाता। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हिडन रिजर्व्स। ये सिर्फ मैनेजमेंट को ही पता होता है कि हमने थोड़ा सा पार्ट अपने प्रॉफिट का एक रिजर्व की तरह रख लिया है जो हम बैलेंस शीट में भी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हिडन रिजर्व्स, एक हिडन छुपा हुआ रिजर्व होता है। सच रिजर्व्स आर क्रिएटेड बाय शोइंग द एसेट्स एट ए लोअर अमाउंट एंड लायबिलिटीज एट ए हायर अमाउंट। तो इस रिजर्व को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम अपनी एसेट्स को थोड़ा सा कम कर दें, एसेट्स के अमाउंट को हम कम दिखाएं और लायबिलिटीज़ के अमाउंट को ज़्यादा दिखाएं, तो हम कुछ पार्ट को हम हिडन कर सकते हैं और उसको हम एक सीक्रेट रिजर्व की तरह से यूज़ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स ये सीक्रेट रिजर्व वैसे आप लोगों को बताना नहीं चाहिए इस स्टेज पर, क्योंकि ये एक मैनेजमेंट का रोल है जो कि वो अपने इवन एम्प्लॉयज़ या सीनियर मैनेजरियल ऑफिसर्स को भी नहीं बताते हैं, ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को ही पता होता है। और ये रिज़र्व कैसे क्रिएट किया जाता है, सम ऑफ द वेज इन विच सीक्रेट रिजर्व्स कैन बी क्रिएटेड आर, देखिए ये कुछ गलत तरीके हैं जो हम आपको बता रहे हैं इसमें एज अ सीक्रेट रिजर्व, क्योंकि आपकी बुक में भी दिया हुआ है इसको, अदरवाइज इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कि किस तरह से आप कुछ पैसे को हाइड कर सकते हो। बाय चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम बढ़ा देते हैं तो हमारा पैसा कुछ अलग से रिजर्व हो जाएगा। बाय अंडर वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो अगर हम उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं तो इस तरह भी हम सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकते हैं। बाय अंडर वैल्यूइंग गुडविल, बाय क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, हमें मालूम है डाउटफुल डेट्स 5% होंगे लेकिन हमने उसको 10% कर दिया है, तो इस तरह से हमने क्या किया, सीक्रेट रिजर्व्स को क्रिएट कर दिया। बाय शोइंग कंटिजेंट लायबिलिटीज एज ए रियल लायबिलिटी, हमें मालूम है एक लायबिलिटी कंटिजेंट लायबिलिटी है। कंटिजेंट लायबिलिटी मैंने आपको पहले भी बताया, वो लायबिलिटी जो लायबिलिटी हो भी सकती है हमारे लिए या नहीं भी हो सकती, और उसको हम एक रियल लायबिलिटी बना दें, तो हम एक तरह से हम एक रिज़र्व निकाल के रख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सीक्रेट रिज़र्व। तो ये कुछ तरीके हैं स्टूडेंट्स जो कि मेरे हिसाब से आपको बताने नहीं चाहिए थे, चलिए हमने आपको बता दिए हैं। अब हम चलेंगे स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। हम सारी बातें इन सबको जानते हैं, ये एक समरी फॉर्म में दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रोविजंस में और रिज़र्व में क्या डिफरेंस है, इसको एक मैंने बहुत आसान से लैंग्वेज में आपके सामने रखा है, बेसिस क्या क्या हेड्स हैं डिफरेंस के प्रोविजंस में और रिजर्व्स में। सबसे पहला है नेचर, प्रोविजंस में क्या होता है, इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हम प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज करते हैं। रिजर्व इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व हम प्रॉफिट में से अलग निकालते हैं। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, प्रोविजन इज मेड टू मीट नोन लायबिलिटी इफ द अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड, अगर हमें अमाउंट एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो हम प्रोविजन बनाते हैं। इट इज़ क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजिशन एंड टू मीट अनफॉरसीन लायबिलिटीज एंड लॉसेस, रिजर्व्स क्यों बनाते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन को मजबूत करने के लिए और अनफॉरसीन कोई लॉसेज हो रहे हैं लायबिलिटीज हो रहे हैं उसको मीट करने के लिए। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, हमारे को प्रोविजंस और रिजर्व बनाने से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, प्रोविजन इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट एंड हैंस प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड, हम P&L अकाउंट में डेबिट कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट नेचुरली कम हो ही जाना है। रिजर्व्स को हम क्या करते हैं, इट इज़ डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम एक नया अकाउंट बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें हम डेबिट करते हैं, हैंस प्रॉफिट इज़ नॉट अफेक्टेड,
ये जब हम आपका फाइनल अकाउंट का जब चैप्टर करेंगे उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें पी एंड एल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है और उससे प्रॉफिट अफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नॉट इन्वेस्टेड। और रिजर्व्स में क्या है, इट मे बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, हम आउटसाइड बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंट, इट रिड्यूसेस नेट प्रॉफिट। हम जो प्रोविज़न बना रहे हैं ये नेट प्रॉफिट को कम कर देता है एंड हैंस इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंट। अनयूटिलाइज पार्ट ऑफ रिजर्व्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंट, अगर रिजर्व्स में से कुछ पार्ट अनयूटिलाइज रह जाता है डेट कैन बी यूटिलाइज एज डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। नेट प्रॉफिट इज नॉट रिड्यूस, नेट प्रॉफिट इससे कम नहीं होगा। कंपल्शन एंड प्रूडेंस, प्रोविजन इज मेड बिकॉज ऑफ द प्रूडेंस एंड अक्रूअल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया था, हमारे दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, प्रूडेंस कंसेप्ट और अक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, इसलिए ये प्रोविजंस क्रिएट किया जाता है। इट इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द प्रूडेंस, प्रूडेंस कंसेप्ट तो इसमें भी आता है। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, एंटिसिपेट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड प्रोवाइड इन द करंट ईयर एंड नॉट एंटिसिपेट ऑल इनकम्स और गेंस। और क्यों बनाया जाता है रिजर्व्स, ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट, हमें लीगल रिक्वायरमेंट भी है हमारी रिजर्व्स को बनाने की। प्रेजेंटेशंस, इट इज़ शोन ईदर एज करंट लायबिलिटी और एज डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट्स। जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था, ये जो प्रोविजंस है करंट लायबिलिटी की तरह बैलेंस शीट में जाता है या हम डिडक्ट कर देते हैं एसेट्स में से। मान लीजिए हमारे डेटर्स हैं, हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया तो हम उसको सन्डरी डेटर्स में से हम उसको डिडक्ट कर देंगे। सन्डरी डेटर्स हमारे एसेट्स हैं तो हम एसेट्स में से उसको डिडक्ट कर देंगे। ए रिजर्व इज़ शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, रिजर्व्स को हमेशा लायबिलिटी साइड में ही दिखाया जाएगा एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। जिस भी पर्पस जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व्स के नाम से दिखाया जाएगा। स्पेसिफिक रिजर्व है जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो उसको आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स के हिसाब से आप लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ये सब एक तरह से समरी समराइज फॉर्म है, आप इसको बहुत अच्छे से इसको आपको लर्न करना है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रोविजंस और रिजर्व्स पे जो हमने कंप्यूटर डिस्प्ले किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत आसान लैंग्वेज में उसको लिखा है जिससे कि आपको नोट्स अगर कहीं बनाने हैं या समझना भी है तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो अभी प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के ऊपर हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, नए चैप्टर की हम नए वीडियो में शुरुआत करेंगे। तब तक आप प्रोविजंस और रिजर्व्स को और अच्छे से समझ लीजिए, कोई अगर डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगा। तो फिर मिलते हैं अब नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू वेरी मच।